फ्रेंड्स, आई एम स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी। इस सेशन में हम करेंगे कैश बुक चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 10.13 ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, राइट अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो हमें बनानी है डबल कॉलम कैश बुक। ये है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं। मार्च 1 कैश इन हैंड 15,000, यानी हमारे कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है। मार्च 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस आएगा कैश अकाउंट, कैश वाले कॉलम में 15,000। मार्च 3 परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 6,000, कैश में परचेज हुई है, पेमेंट साइड में आएगी बाय परचेजेस। मार्च 3 अमाउंट इज 6,000। मार्च 5 डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 5,000। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे समझते हैं। डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब हमने कैश में से पैसे निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया होगा, हमारा कैश डिक्रीज हो गया होगा और हमारा बैंक इंक्रीज हो गया होगा। क्लियर? अब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश और बैंक कॉलम दोनों में रिकॉर्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का हमें ध्यान रखना होता है। हम लेजर फोलियो वाले कॉलम में दोनों साइड सी लिखेंगे। दोनों लेजर फोलियोज वाले कॉलम में हम इस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे सी लिखेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब ये कैश और बैंक दोनों कॉलम्स में रिकॉर्ड हुई है। तो इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं। मार्च 5 डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 5,000। मार्च 5 बैंक इंक्रीज हो गया है, तो ये आएगा रिसिप्ट साइड में 2 कैश रुपीज 5,000 और लेजर फोलियो में क्या आएगा? सी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब ये कैश और बैंक दोनों में रिकॉर्ड हो रही है, बाय बैंक रुपीज 5,000 मार्च 5। मार्च 8 कैश सेल्स रुपीज 10,000। सेल्स हुई है कैश में, आएगी रिसिप्ट साइड में 2 सेल्स मार्च 8, अमाउंट इज रुपीज 10,000। क्लियर? मार्च 10 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 2,000। अब कैश विड्रॉ करा बैंक से बट ऑफिस यूज के लिए, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि हमारा कैश इंक्रीज हो गया होगा और बैंक डिक्रीज हो गया होगा, तो इसे रिकॉर्ड करते हैं। मार्च 10 पेमेंट साइड में आएगा बैंक, क्योंकि बैंक डिक्रीज हुआ है, बाय कैश बैंक में आएगा हमारा 2,000 रुपीज और लेजर फोलियो में आएगा सी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये दूसरी साइड में भी रिकॉर्ड होगी, 2 कैश अकाउंट सॉरी 2 बैंक रुपीज 2,000, रिसिप्ट साइड में कैश के, क्योंकि ये कैश इंक्रीज हुआ है। मार्च 10 मार्च 12
received cash from Damini ₹3,000. Damini से cash receive हुआ है, receipt side में आएगा. To Damini ₹3,000. Cash है, cash column में आ गया है, March 15, received cash from Dolly and deposited in the bank on the same day, ₹2,000. Check receive हुआ और हमने bank में deposit भी कर दिया, तो ये bank account में आएगा. To Dolly, March 15. अब receive हुआ है तो हमारा cash बढ़ गया होगा, receipt side में record कर रहे हैं ₹2,000. March 18, received check from Deepak, not banked, ₹5,000. अब इस केस में हमने check receive तो किया, but उसे deposit नहीं किया, यानी ये जाएगा check in hand account में और ये bank में तब तक नहीं जाएगा जब तक हम check को bank में deposit नहीं कर देते. याद रखिएगा, ये भी एक important point है कि हम bank में check की recording तभी करेंगे जब हम check को deposit कर देंगे. अगर चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है तो वो आएगा चेक इन हैंड अकाउंट में. ये हम ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. April 19, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, डिपॉजिटेड इन बैंक. अब रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जो हमें चेक रिसीव हुआ था वो हमने डिपॉजिट कर दिया, तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे. March 19, टू चेक इन हैंड अकाउंट ₹5,000. 5,000 का चेक था जो हमें रिसीव हुआ था पर हमने डिपॉजिट नहीं किया था. अब हमने ये रिकॉर्ड किया है टू चेक इन हैंड अकाउंट में, ना कि दीपक के अकाउंट में, इसलिए क्योंकि जब हमने ये रिसीव किया था और डिपॉजिट नहीं किया था तो हमने एंट्री पास करी होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट 5,000. अब जब हमने रिसीव करा था तो हमने जब चेक इन हैंड अकाउंट में डाल दिया था तो दीपक का अकाउंट तो खत्म हो गया, बचा चेक इन हैंड अकाउंट, इसलिए जो बैंक में एंट्री होगी वो टू चेक इन हैंड अकाउंट से होगी. याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. March 24, पेड टू चंदर बाय चेक ₹2,500. चंदर को चेक से पेमेंट हुई है, यानी बैंक कॉलम रिड्यूस हो गया होगा. बाय चंदर March 24, अमाउंट इज ₹2,500. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 27, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1,500. पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं तो ये ड्रॉइंग्स हैं. कहां से विड्रॉ करे हैं? बैंक से, तो बैंक रिड्यूस हो जाएगा. बाय ड्रॉइंग्स March 27, अमाउंट इज ₹1,500. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 28, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा ₹4,000. अब क्रेडिट पे सेल करी है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा. परचेज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 30, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर ₹5,000. अगेन ये क्रेडिट परचेज है, ना कि कैश ट्रांजैक्शन, तो ये भी हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. लास्ट सेकंड ट्रांजैक्शन March 31, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2,000.
अब ये चेक रिसीव भी हुआ है और डिपॉजिट भी हुआ है, तो हम इसे बैंक पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैंक इंक्रीज हो गया होगा टू अशोक मार्च 31, अमाउंट इज रुपीज 2000। लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ रुपीज 100। अब बैंक चार्जेस है तो हमने बैंक से पेमेंट करी होगी, बैंक रिड्यूस हो गया होगा। मार्च 31 बाय बैंक चार्जेस रुपीज 100। हमने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अब हमारा सिर्फ एक काम बचता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना। स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे और लेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन रिसीव साइड का टोटल माइनस एक्सपेंडिचर माइनस पेमेंट साइड का टोटल। बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास कैश अकाउंट का आएगा लेस करने के बाद 19,000, और बैंक का भी हमारे पास 5,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 100, ये कैश में नहीं आएगा, ये करेक्शन है, आप देख लीजिएगा। गलती से हमने इसे कैश में लिख दिया था, ये चेक इन हैंड अकाउंट था, बैंक के कॉलम में आएगा। और ये भी हमें अशोक से जो पैसे मिले थे वो चेक के थ्रू मिले थे, तो ये भी हमारे कैश में आएगा। इसका टोटल दोबारा एक बार सही कर लीजिए, रिसीव साइड का टोटल लेस पेमेंट साइड का टोटल हमारे पास आएगा 19,000। अब बैंक साइड का करते हैं, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 लेस 2,000 2,500 1,500 100, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 79,100। दोनों साइड का टोटल कर देंगे, कैश साइड का टोटल आएगा 30,000 रुपीज और बैंक कॉलम का टोटल आएगा 14,000 रुपीज। ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ई विद्यार्थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।